हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, बहुत बड़ी सी यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल कर आई है। बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पे गाइस आप सभी को अकाउंट ट्रांसफर वाला बटन आपने पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन के अंदर देखने को मिल चुका है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखा, और ये जो क्लिप है गाइस आपको गाइस कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, बिकॉज मैं सबसे पहले ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे ये जो चीज़ है मुझे खुद के अकाउंट में मिली है। अब इसका गाइस प्रूफ मैंने आपको रिकॉर्डिंग में दिखाया है स्टार्टिंग में, और आगे भी दिखाऊंगा पूरा चीज़ और सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि अकाउंट ट्रांसफर कैसे करना है, कब करना है, और मतलब उससे क्या होगा, सारी चीज़ें जो आज के इस वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो यार बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, लाइक करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन यार वीडियो पूरी देखना, बिकॉज अकाउंट आपसे छिन जाए ऐसा तो आप लोग नहीं चाहोगे ना। तो वीडियो जो है पूरी एंड तक देखना। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, कम टाइम में आपको सारी चीज़ें जो है मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ गाइस की जो ये जो अकाउंट ट्रांसफर चीज़ है, ये गाइस अगर आप लोग PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन डाउनलोड करोगे ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लो, और अगर है तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको क्लिप लगा के दिखाता हूँ पूरा जो मैंने रिकॉर्ड करा है। अब इसको गाइस मैं एकदम रॉ मटेरियल मतलब पूरा रॉ रखूंगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, इसमें मतलब कुछ भी एक पार्ट भी एडिट नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, जिससे कि गाइस आप लोग को ये कन्फर्म हो जाए कि आप लोग यहाँ पे गाइस मैं जो है बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। क्योंकि यार आप लोग गाइस थोड़ा सा भी कहीं भी होम स्क्रीन वाला भी अगर पार्ट मैं कट करता हूँ तो आप लोग बोलते हो एडिटेड है, तो यहाँ पे गाइस वो भी मैं नहीं कट करने वाला हूँ। तो चलो वो वाला क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सो गाइस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट ट्रांसफर, यू कैन ट्रांसफर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पबजी मोबाइल। यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर का बटन आ रहा है, ये कोई एडिटेड नहीं है, देख सकते हो ऊपर नीचे करके मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे गाइस इसमें टैप करता हूँ, देख सकते हो द डेटा इज बिंग इम्पोर्टेड प्लीज वेट, और भाई यहाँ पे गेम क्रैश हो गया। अब यहाँ पे गाइस गेम क्रैश होने का मतलब ये है कि डेटा जो है आपका इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। इम्पोर्ट करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, बिकॉज आपका डेटा कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना ही होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितना होगा, बट जो भी है यहाँ पे गेम वापस रीओपन करके देखते हैं कि शायद गेम खुले ना, कुछ मे भी कुछ भी हो सकता है गेम शायद ना खुले, बिकॉज पबजी मोबाइल इंडिया में मतलब जो अपना डेटा ना वो पबजी कॉर्पोरेशन को भेज दिया है इसने, मतलब टेंसेंट वालों ने, ठीक है। तो देखते हैं गाइस गेम को ओपन करने में, ये थोड़ा लो एंड वाला डिवाइस है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है गेम ओपन होने में, और बाकी जो मेरे पास अभी जो मैं यूज़ करता हूँ वो उसमें गाइस कोई इशू नहीं होता, बट ये थोड़ा लो एंड वाला डिवाइस है मेरा। देखते गाइस कब तक ओपन होता है, बट यहाँ पे गाइस आप लोग जाके लाइक मार दो। और गाइस मैंने बोला था कि मैं इसको पूरा रॉ रखने वाला हूँ, कुछ भी एडिटेड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे गाइस मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया। और यहाँ पे गाइस मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो इस वाली वीडियो को, शेयर करो, ताकि बाकी जो आपके टीममेट्स वगैरह भी है वो मतलब इसको कर ले, क्योंकि यार अकाउंट ट्रांसफर नहीं करोगे तो अकाउंट वापस मिलेगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो गेम ओपन होना है, होने को है, शायद ना हो, पता नहीं क्या होने वाला। तो जो गेम है वो मे बी ओपन हो रहा है, एंड एक सेकेंड, तो यहाँ पे गाइस ए गेम जो है वो ओपन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपका जो अकाउंट है वो दे दिया गया है, मतलब पबजी कॉर्पोरेशन को आपका जो अकाउंट में डेटा था वो सारी चीज़ें दे दी गई है। तो एक मिनट गाइस मैं फिर से इसको ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने बोला थोड़ा लो एंड डिवाइस है। गेम खुल जाए भाई जल्दी से, तो गेम खुल चुका है भाई, देखो कोई सीन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रॉ क्लिप है। सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो भाई अभी देखो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, मतलब अकाउंट ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। आपके सामने मैंने पूरा क्लिप दिखाया, स्टार्टिंग में भी क्लिप ऐड करी ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे गाइस अब कुछ बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पबजी मोबाइल ग्लोबल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको अकाउंट ट्रांसफर करना है, जैसे कि बाकी वर्जन में हुआ था जब वियतनाम वर्जन बना था या फिर कोरियन वर्जन बना था, तो वहाँ के प्लेयर्स को ऐसा करना पड़ा था, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि भाई अकाउंट ट्रांसफर को हम लोग को कब तक मतलब मिलेगा ऑप्शन, बिकॉज अभी देखो गाइस ये जो अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन है गाइस सभी को एक टाइम पे नहीं मिलेगा, आप लोग जाके अपने गेम पे चेक करना, शायद आपको ना मिले, बट यहाँ पे कल परसों तक क्या आज रात तक ही आपको सभी को मिल जाना चाहिए, बिकॉज ये लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे इस चीज़ को। लेकिन गाइस आप लोग समझते हो ना, इतने ज़्यादा प्लेयर्स है तो थोड़ा टाइम लगता है इसका सर्कुलेशन पे, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप लोग के मन में आ रहा होगा कि भाई अब तो डेटा ट्रांसफर हो गया, भाई हम लोग का डेटा ट्रांसफर हो गया, डेटा बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ओल्ड अकाउंट भी वापस मिल जाएगा, अब बता दे गेम कब आएगा। तो भाई लोग देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको सुबह के और वीडियो में बोला था, जितने भी वीडियो में अभी दो तीन दिन से डाल रहा हूँ मैं, सभी में बोल रहा हूँ कि डेटा ट्रांसफर का अभी प्रोसेस चल रहा है, तो वो हो जाने दो, उसके बाद ट्रेलर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस डेटा ट्रांसफर का मान लो अगर कल तक
हो जाता है ना, तो यहाँ पे गाइस बंदे जो है मतलब अपने मन से कर सकते हो, ट्रेलर जो है लॉन्च हो जाएगा बिकॉज इन्होंने जो सर्विस है वो अपनी प्रोवाइड करती है अपनी तरफ से। अब बाकी बंदे कब करती है तो 1 जून तक का टाइम दिया गया है, 2021 तक का सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे कल तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा वाली बात नहीं, बट यहाँ पे फिलहाल जो भी है गाइस मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। बस गाइस आप लोग जाके अपने गेम पर चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके अकाउंट में आया है। तो गाइस मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितने बंदों को मिला है नहीं मिला है, और ये तो गाइस आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और याद से बताना यार, ठीक है, तुम्हारे भाई का एक ही रिक्वेस्ट है। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता यार, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लगी जैसे आप लोग डिसलाइक कर दो ना तो भाई यूट्यूबर ने यहाँ पे दिमाग करा दो, ठीक है। तो बस मिलते हैं।